सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने रविवार को जनपद में लग रहे रात्रि कर्फ्यू को देखते हुए बहेवा मंडी के आढ़तियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि जनपद में 11 अप्रैल से 18 अप्रैल तक रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने बताया कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मंडी में फुटकर बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि भीड़ को कम करने के लिए आलू मंडी, मछली मंडी, सब्जी मंडी, गल्ला मंडी के आढ़तियों के साथ बैठक की गई है। उन्होंने बताया कि सभी आढ़तियों को निर्देशित किया गया है कि अपने दुकान पर मास्क लगाकर ही कार्य करें। उन्होंने मंडी में रेट बढ़ने की सूचना पर कहा कि रेट नहीं बढ़ेगा, अगर रेट बढ़ता भी है तो आढ़तियों के साथ बैठक करके रेट को निर्धारित कर दिया जाएगा। इस अवसर पर मंडी सचिव सेवाराम वर्मा, मंडी इंस्पेक्टर अंकुर श्रीवास्तव सहित भारी संख्या में आढ़ती मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, जब कोई दिखेगा नहीं यहाँ पे दुकान पे चलिए, किसी भी आलू प्याज दुकान चलिए, अगर दूर से ड्राइवर डिलीवरी दी जा रही है तो जो कहिए मैं सो हाँ हो ही नहीं सकता है। कभी मंडी यहाँ कोई लग रही है और लोग फुटकर विक्रय कर रहे हैं, इसको बंद कराता हूँ। अगर कोई भी फुटकर विक्रय करता हुआ मंडी पाया जाता है, फुटकर उसको मेंटर आप लोग बढ़िया जानते हैं, अगर कोई फुटकर विक्रय करता हुआ पाया जाता है या खरीदते हुए कोई पब्लिक, मुझे मालूम है जो नियम होता है मंडी का, मंडी में कोई आके अगर मैं कहूँ मुझे एक किलो आलू चाहिए लो मंडी दे दो, अगर कोई बेच रहा है तो गलत कर रहा है। सचिव साहब, ये नियम है कि नहीं? तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो गलत है। तो पहली बात, किसी भी प्रकार का फुटकर विक्रय मंडी में नहीं होगा अभी से लेकर अगले आदेशों तक। पहली चीज है, दुकानों की संख्या ज्यादा है आलू प्याज मंडी और सब मंडियों में, उसको ऑल्टरनेट डे रखने पे विचार करने में कोई दिक्कत है? आपकी तरफ से क्या समस्याएं हैं? अगर इसमें कोई समस्या है तो आपकी गाड़ी की संख्या जो है, जो आप एक दिन मंगाते हैं, कहिए तो उसको बढ़वा दिया जाए। सीरियल नंबर अलॉट करके कुछ सीरियल नंबर को एक दिन, कुछ सीरियल नंबर दूसरे दिन खोलने पर विचार कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे, आप लोग अपना व्यक्तिगत बात कर लें और इसके मुझे बताएंगे। इसमें अगर आप कुछ चाहते हैं रिलैक्सेशन, तो हाँ मैं ये कर सकता हूँ कि अगर खुशी हुई है, कोई नागपुर से आ रहा है, कोई कानपुर से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, तो हम लोग उसे कंसिडर करेंगे। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि आपकी गाड़ी बीच में रुकवा के सामान खराब कर देना है, ये हमारा उद्देश्य नहीं। तो अगर ये ऑड इवन पे हम लोग बात करते हैं और अल्टरनेट डे में बात करते हैं, तो उस पर विचार करना है आप लोग को। आप मुझे एक आध दिन में बात करके आप सभी पदाधिकारी जो हैं अपने आदमियों से बात बनी थी। अगर यहाँ 100 दुकानें हैं और मान लीजिए 300 लोग ऐसे हैं, तो हमने कहा था 300 लोग छुट्टी दे दीजिए, हम उसी के हिसाब से करेंगे। उनको स्थान अलॉट हुआ था पिछली बार भी, जैसे कोई चौराहे पर था, कोई चौराहे थोड़ी दूर पर था, इस तरह का भेजा गया था, तो वही इस बार भी किया जाएगा। ये ऐसा परिवार में है तो एक आदमी का बंद हुआ, बाकी चार लोग का खुला है, ऐसा करके सातों दिन आपने कारोबार किया सर, तो हम लोग पिछली बार इस चीज को थोड़ा सा इसमें हम लोग हो गए। देखिए, गोरखपुर में रात्रि कर्फ्यू जो है 11 तारीख से 18 तारीख तक लग रहा है, जिसमें रात में 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी चीज़ें बंद रहेंगी। तो उसी क्रम में मंडी समिति के व्यापारियों के साथ आज बैठक की गई और इसमें मंडी समिति में फुटकर मंडी में अगर कोई विक्रय हो रहा है तो तत्काल प्रभाव से रोका गया है और कोई फुटकर विक्रय मंडी में नहीं होगा। और आढ़तियों से बेसिकली ये बात की गई कि किस तरह उनकी टाइमिंग्स को एडजस्ट किया जाए, जिससे कि कम से कम भीड़ लगे और यहाँ पूरे शहर को सब्जी बांटी जा सके। तो इसी के लिए हम लोगों ने आलू प्याज मंडी की आरती से, सब्जी मंडी की आरतियों से, गल्ला मंडी से, मछली मंडी की आरतियों से और फल मंडी की आरतियों से बात की है। हम लोग अलग अलग टाइमिंग्स पे विचार कर रहे हैं कि जिससे भीड़ जो है थोड़ा सा इसको हम कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा सभी आरतियों से कहा गया कि अपने आप मास्क सैनिटाइजर रखें और किसी भी आदमी से कोशिश करें कि कॉन्टैक्ट ना हो, दूर से ही उसका विक्रय करें। हम टेस्टिंग भी मंडी में बढ़ा रहे हैं ताकि मंडी में मैक्सिमम टेस्टिंग हो सके और अगर इनकेस कोई पेशेंट निकलता है तो उसके खिलाफ जो प्रोटोकॉल है उस पर कार्रवाई करेंगे। और इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी मंडी में बहुत तेज अब करेंगे और अगर कोई मास्क पहना हुआ नहीं मिलता है या जो भी हमारे गाइडलाइंस का पालन नहीं करता उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये सब करके हम लोग बेसिकली मंडी में भीड़ जो है नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अभी तो नाइट कर्फ्यू शुरू हो रहा है एक हफ्ते के लिए, तो अभी रेट में कोई ऐसा वेरिएशन नहीं है, फ्लक्चुएशन नहीं है। अगर कभी भी लगता है कि रेट किसी भी सामान का बढ़ रहा है या हमारे हाथ से निकल रहा है तो हम तत्काल उस पर कंट्रोल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जैसा हमने पिछले लॉकडाउन में किया था, हम उस तरह भी प्रयास कर सकते हैं।
है। तो अभी हमने सारे जो बेसिक ग्राउंड वर्क है वो कर लिया है और अगर कोई समस्या आगे आती है तो हम लोग उसको तत्काल उसको कैटर करेंगे। जो फुटकर सब्जी है वो यहाँ पे सब्जी मंडी में बिल्कुल नहीं लगेगी। फुटकर सब्जी अलग अलग मोहल्लों में बिकती है, सब्जी मंडी में सिर्फ थोक विक्रय होता है। तो फुटकर विक्रय अगर कोई करता हुआ पाया जाएगा उसमें कार्रवाई की जाएगी और जनता से भी अपील है कि फुटकर विक्रय करने के लिए सब्जी यहाँ पर ना आए, वो अपने स्थानीय जो आपके वो है सब्जी मंडियाँ हैं या छोटे आपके जो पैरोकार हैं उससे सब्जी खरीदें। और यहाँ भी हिदायत दे दी गई है सख्त दम आढ़तियों को कि आप लोग कोई फुटकर विक्रय नहीं करेंगे। पार्किंग के लिए इनकी गाड़ियाँ जो है उसको व्यवस्थित रूप से खड़ा कराने के लिए बोल दिया गया है, कोई गाड़ी अनावश्यक रूप से रोड पर खड़ी नहीं होगी इनको बता दिया गया है और सारे डायरेक्शंस कोरोना के गाइडलाइन को देखते हुए दिए गए हैं और आशा है कि इसका पालन किया जाएगा।